गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जीएसटी के अंदर जो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चेंजेस हो सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा डिस्कशन में है। आज मैं आपको सारे चेंजेस के बारे में, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, हो सकते हैं, उसके बारे में बताने वाला हूँ। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी ये पता लग सके कि जो चेंजेस होने वाले हैं उसके लिए आपका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो चेंज है और काफी महत्वपूर्ण चेंज ये हो सकता है अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसमें बताया जा रहा है द कैपिंग ऑन नंबर ऑफ इनवॉइसेस इशूड बाय द न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल टर्नओवर एंड क्रेडिट हिस्ट्री। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप एक जीएसटी के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आप कितना इनवॉइस इशू कर सकते हैं वो आपके ऊपर एक मैक्सिमम लिमिट लगाई जाएगी, और वो जो लिमिट होगी वो डिपेंड करेगा आपके एनुअल टर्नओवर पे और क्रेडिट हिस्ट्री पे। क्रेडिट हिस्ट्री आपके टैक्स पेमेंट और रिटर्न फाइलिंग का जो सिस्टम आप फॉलो करेंगे, जो आप कंप्लायंसेस को फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाएगा। तो ये अब महत्वपूर्ण होने वाला है अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। तो अगर आप इनवॉइसेस के अंदर कोई लिमिट रखना नहीं चाहते तो आपको अपनी जीएसटी रिटर्न और जीएसटी का जो टैक्स पेमेंट है वो बिल्कुल टाइम पे करना होगा, नहीं तो आपको इनवॉइसेस जो है वो इशू नहीं करने दिया जाएगा, उसके ऊपर लिमिट लगाने की बात चल रही है। क्योंकि यहाँ पर इनवॉइसेस जो है इशू करके इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन कर दिया जाता है, और उसके बाद जो सप्लायर होता है उसका कोई भी ट्रेस नहीं मिल पाता है, और वहां पे काफी रेवेन्यू का जो लॉस है वो हो रहा है गवर्नमेंट को। इसीलिए ये टफ स्टेप कैपिंग ऑन नंबर ऑफ इनवॉइसेस इशूड बाय न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल टर्नओवर जो है वो किया जा सकता है। दूसरा है द यूज ऑफ आधार फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन टू कंट्रोल द फेक ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट बाय इशूइंग इनवॉइसेस विल बी इन प्लेस एंड लिमिट ऑन इशूइंग इनवॉइसेस विल बी इम्पोज्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कैन बी इंक्रीज्ड इफ क्रेडिट हिस्ट्री इज गुड। जैसा कि आप सभी को पता है, अब आप न्यू रजिस्ट्रेशन अगर लेना चाहते हैं तो आपको अपना आधार नंबर जो है वो वैलिडेट करवाना पड़ेगा। आपको आधार नंबर इंडिविजुअल के केस में भी वैलिडेट कराना होगा। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है तो उसके अंदर आपको कितने पार्टनर्स का आधार नंबर रजिस्ट्रेशन के साथ वैलिडेट कराना है उसकी नोटिफिकेशन अलग से दी जाएगी। सिमिलर केसेस है डायरेक्टर्स के लिए। कहने का मतलब है कि अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन लेते हैं जीएसटी में तो आपको आधार से ऑथेंटिकेट एंड वैलिडेट उसको करना होगा, और जो आपका इनवॉइस इशूइंग का जो कैपिंग है वो आपको रजिस्ट्रेशन लेते वक्त ही दिया जाएगा कि आप इतने टर्नओवर तक इतना इनवॉइस इशू कर पाएंगे। इसके ऊपर अगर आपको इनवॉइस इशू करना है तो वो डिपेंड करेगा आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे, जो कि आपके कंप्लायंस के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि आपने अपनी रिटर्नें समय पे फाइल करी हैं या नहीं, और टैक्स का पेमेंट जो बनता था वो आपने किया है या नहीं। तो अब सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अपना जीएसटी रिटर्न और टैक्स पेमेंट जो है वो समय पे करना होगा, और इसके लिए आप क्लियर टैक्स का टूल यूज कर सकते हैं, जिसमें आप GSTR 3B, GSTR 1, GSTR 9 एनुअल रिटर्न और साथ ही साथ जीएसटी की जो न्यू रिटर्न है उनको फाइलिंग करने का तरीका समझ सकते हैं, और लाइव फाइलिंग उसके अंदर आप कर सकते हैं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की मदद से, जिसका लिंक आपको नीचे साइन अप लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां जाके उसे साइन अप कर सकते हैं, 30 डेज का फ्री ट्रायल यूज कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसके अंदर अपना काम जो है बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। तो ये हुआ दूसरा कि रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक करने के बाद आपका नंबर ऑफ इनवॉइसेस कितना इशू होगा उसके ऊपर लिमिट लगाई जाएगी। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 4। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदते हैं उसके लिए ये चीज बात की जा रही है, इसके ऊपर ये डिस्कशन चल रही है। आइटम्स सच एज फूड ग्रेन्स विच अट्रैक्ट्स परचेज टैक्स इन अर्लियर रिजिम का मतलब वैट के रिजिम में मे बी टैक्स्ड अंडर जीएसटी थ्रू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन विच रजिस्टर्ड पर्सन विल हैव टू पे इफ परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप कोई ऐसा फूड ग्रेन्स परचेज करते हैं जिसपे जीएसटी से पहले परचेज टैक्स का कानून लागू किया जाता था वैट में, तो उसको अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में दायरे में लाने की बात चल रही है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब कि जो रजिस्टर्ड पर्सन अगर स्पेसिफाइड फूड ग्रेन्स को किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करता है तो उस रजिस्टर्ड पर्सन को उस सप्लाई के ऊपर टैक्स जमा करना होगा, इनवॉइस इशू करना होगा, और उसका क्रेडिट जो है
फिर वो क्लेम कर पाएगा। तो ये काफी बड़ा चेंज हो सकता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर, क्योंकि फूड ग्रेन्स जो है अभी टैक्स नहीं आती हैं, अभी टैक्स लिमिट के अंदर नहीं आती हैं, लेकिन जो फूड ग्रेन्स एग्जेम्प्टेड है उसके ऊपर ये चीजें लागू नहीं होंगी। अदर देन जो एग्जेम्प्टेड फूड ग्रेन्स है उसके ऊपर लगाया जा सकता है अगर आप अनरजिस्टर्ड परचेज से खरीदते हैं। सपोज आप ब्रांडेड राइस खरीदते हैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, अब क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने ब्रांडेड राइस खरीदा है इसीलिए ना तो वो जीएसटी पे करता है ना आपको परचेज टैक्स के अंदर कोई रिवर्स चार्ज देना होता है, जबकि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदेंगे तो उसके ऊपर 5% का टैक्स लागू किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो फूड ग्रेन्स टैक्सेबल है जीएसटी के अंदर अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करेंगे तो उसमें आपको रिवर्स चार्ज का पेमेंट जो है वो करना पड़ सकता है और उसके ऊपर 9(4) के प्रोविजंस लगाए जा सकते हैं। अगला जो चेंज है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जीएसटी ई वे बिल से रिलेटेड, जो अपने गोल्ड सप्लायर्स होते हैं उनके लिए। जीएसटी ई वे बिल टू बी इंप्लीमेंटेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गोल्ड इन इनक्रिप्टेड फॉर्म। इनक्रिप्टेड वे बिल मे बी इशूड टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ कंसाइनमेंट। जीएसटी ई वे बिल जो है अभी फिलहाल एग्जेम्प्टेड है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मेंशन अंडर चैप्टर हेडिंग 71, जिसके अंदर प्रेसियस स्टोन्स गोल्ड वगैरह आते हैं, लेकिन अब जो है जीएसटी ई वे बिल का प्रोविजन जो है उसके ऊपर भी लगाया जा सकता है टू चेक द इवेजन, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा इवेजन हो जाता है अगर ई वे बिल का मूवमेंट का ट्रैकिंग नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि ई वे बिल जो निकलेगा वो नॉर्मल ई वे बिल नहीं निकलेगा, वो निकलेगा आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में। इनक्रिप्टेड फॉर्म में मतलब एक ऐसे हैश कोड के साथ जिसको क्रैक करना या हैक करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि नॉर्मल ई वे बिल निकालने में समस्या ये है कि अगर आप नॉर्मल ई वे बिल निकालते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड गोल्ड, तो वहां पे प्रॉब्लम ये आएगी कि उसकी जो चोरी है वो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे रास्ते के अंदर, क्योंकि वहां पे डेटा जो है पता लगेगा कि ये गोल्ड यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो वहां पे जो है कंसाइनमेंट को लॉस पहुंच सकता है। इसीलिए यहाँ पर इनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ ई वेबल की बात जो है चल रही है फॉर द पर्पज ऑफ गोल्ड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये भी काफी बड़ा चेंज होगा और ई वेबल से रिलेटेड एक बहुत बड़ा चेंज जो कि 21 नवंबर 2019 से इंप्लीमेंट होने वाला है। अगर आप अपनी जीएसटी की रिटर्न्स फाइल नहीं करेंगे 20 नवंबर तक तो आप 21 नवंबर से अपना ई वे बिल जो है वो जनरेट नहीं कर पाएंगे। अगर प्रीवियस टू टैक्स पीरियड्स का रिटर्न आपका ड्यू होगा तो जीएसटी पोर्टल जो है आपके ई वे बिल फैसिलिटी को ब्लॉक कर देगा और आपको ई वे बिल निकालने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये दो बड़े चेंज है जो कि जीएसटी ई वे बिल से रिलेटेड हो सकते हैं। अगला और लास्ट चेंज है टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ATF एंटी टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस मे बी टैक्स अंडर जीएसटी इन जीएसटी 2.0 विच विल हैव फ्यूअर रेट्स एंड लिमिटेड एग्जेम्पशंस। जैसा कि आप सभी को पता है अभी फिलहाल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सच एज पेट्रोल डीजल ATF नेचुरल गैस इन सबको जीएसटी से बाहर रखा गया है, लेकिन जो दो प्रोडक्ट्स हैं ATF एंड नेचुरल गैस इनको जीएसटी के दायरे में लाने की बात चल रही है, जो कि बहुत ही जल्द हो सकता है अगली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर इसके ऊपर फाइनल डिसीजन भी लिया जा सकता है। तो ये भी काफी बड़ा स्टेप होगा, काफी बड़ा चेंज होगा अगर ऐसा होता है तो जीएसटी के अंदर जो हमारे रेट रिडक्शन है और एग्जेम्पशन लिमिट्स हैं उनको भी कम किया जाएगा, साथ साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि जीएसटी के अंदर डेवलपमेंट में है और काफी जल्दी ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 2-3 महीनों में। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटी के अंदर चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो रिटर्न फाइलिंग हो, चाहे वो इनवॉइस के ऊपर कैपिंग हो, इससे रिलेटेड जो हमारे बड़े चेंजेस हो सकते हैं उसमें आपको क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपको आगे कैसे फाइलिंग करना है, क्या चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। काफी लोगों का ये समस्या रहता है कि वो नोटिफिकेशन बेल प्रेस नहीं करते हैं तो उनको नोटिफिकेशन जो है वो नहीं जा पाती है वीडियोस की, और फिर कहते हैं कि सर आपकी वीडियोस हमें रिसीव नहीं हो पा रही। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।